हेलो फ्रेंड, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी लाइंस को एक्सप्लेन कैसे करते हैं और आपको कितने मार्क्स को पूछा जाता है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स, ये आपको 8 मार्क्स का पूछा जाता है। एक आपको प्रोज से पूछा जाता है और एक आपका पोएट्री से पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये आपको 8 मार्क्स को का पूछा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन करना आपको आना चाहिए। जब आप एक्सप्लेनेशन करना सीख जाएंगे तो किसी भी लेसन का एक्सप्लेनेशन करना हो तो आप बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो चलिए सीखते हैं फ्रेंड्स और जानते हैं कि किसी भी लेसन के लाइंस को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कुछ लाइंस जिसे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस एक्सप्लेनेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी लाइंस को एक्सप्लेन करते कैसे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 12th के आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दीज इंडियन रिमेंस इमोबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सभी के बीच में भारत अटल है और यही उसकी गौरव है। तो फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि आपको किसी भी लेसन से कुछ लाइंस उठा करके एग्जाम में आपसे पूछ देगा और उस लाइंस को आपको एक्सप्लेन करना होता है कि राइटर इस लाइन का मतलब क्या समझाना चाहता है। तो इस लेसन में हम लोग यही देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कैसे इसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन किस लेसन से लिया गया है। पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ये लाइन किस लेसन से लिया गया है। दूसरी चीज ये है कि इस लेसन को किसने लिखा हुआ है। दो चीज अगर आपको पता है तो आप उस लाइंस को एक्सप्लेन करें या फिर ना करें, आपको कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक्सप्लेनेशन इसको किया गया है। तो दीज लाइंस हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो यह लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया ठीक वैसे ही है। दैट हैज बीन रिटन बाई महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी ने लिखा है। समझ में आया फ्रेंड? तो ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज कि जब कभी भी आप एक्सप्लेन करें तो जो मेन इसका हेडिंग होता है उसे आप इन्वर्टेड कमा में क्लोज रखें ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आपके कॉपी चेक करने वालों को ये लगे कि ये इसका मेन हेडिंग है जो आपने इन्वर्टेड कमा में क्लोज किया हुआ है। ये तरीका होता है एक्सप्लेन करने का। समझ में आया? इन दिस लाइंस ही टेल्स अस दैट मोस्ट ऑफ कंट्री हैव लॉस्ट देयर कल्चर। तो इस लाइन में यानी कि महात्मा गांधी कहते हैं कि अधिकतर देश जो है अपना सभ्यता को या अपनी संस्कृति को खो दिया हुआ है, एंड सम ऑफ कंट्रीज ट्राइंग टू रिकवर इट, और कुछ देश जो है इसे अभी भी रिकवर करने का, पुनः प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है। कुछ देश नहीं कर रहा है लेकिन कुछ देश इसे पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। बट इंडिया नाइदर हैज लॉस्ट इट एंड नॉट ट्राइंग टू रिकवर इट। लेकिन भारत ने ना तो इसे खोया है और ना ही इसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इट इज स्टिल नाउ एज फास्ट, यह ठीक वैसा ही है जैसे पहले था। समझ में आया फ्रेंड्स? तो देखिए, ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है, ऐसे आपको एक्सप्लेन करने होते हैं एग्जाम में। तो आपको लेशन पता होना चाहिए कि किस लेशन से इसे लिखा गया है। अगर आप बुक्स पढ़े होंगे तो आप बहुत आसानी से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बॉट, द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है,
अशांत पक्षी है, जितना ही इसे मिलता है उतना ही यह चाहता है और फिर भी यह असंतुष्ट रहता है। अब इस लाइन का मतलब समझाना है कि इस लाइन से गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको उनके शब्दों में एक्सप्लेन करके बताना है, उनके विचारों को एक्सप्लेन करना है। समझ में आया? तो दीज लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेशन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह लाइन भारतीय सभ्यता और उसकी संस्कृति से लिया गया है। डेट हैज बीन रिटन बाई महात्मा गांधी। समझ में आया फ्रेंड्स? देखिए, इतना आप यहां से लेकर के यहां से और यहां तक आप, ये कॉमन है, किसी भी लेशन में आप ये हेडिंग डाल सकते हैं। सिर्फ नाम और लेशन आपको पता होना चाहिए, ये कॉमन है, कहीं पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ही सेज दैट आवर माइंड इज लाइक अ रेस्टलेस बर्ड। तो ही का मतलब गांधी जी कहते हैं कि हमारा माइंड जो है रेस्टलेस बर्ड की तरह है, अशांत पक्षी की तरह है। जस्ट एज जिस प्रकार से द बर्ड इज नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट इट हैज, तो जिस प्रकार से पक्षी असंतुष्ट रहती है जो कुछ उसके पास होता है, उससे भी वो असंतुष्ट रहती है, वो संतुष्ट होती ही नहीं है। इट वॉन्ट्स मोर एंड मोर, वह ज्यादा से ज्यादा चाहती है। इन द सेम वे और माइंड इज नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट इट हैज, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास जो है उन सभी चीजों से हमारा माइंड संतुष्ट नहीं रहता है। इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है हमारा दिमाग। आपने देखा होगा कि हम जो भी कुछ हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और कुछ अच्छा कर जाए। एग्जाम में हमें अगर 60% आ जाए तो हम सोचते हैं कि हमको क्यों नहीं 62% आ गया, 72% क्यों नहीं आया। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संतुष्ट है, वो और ज्यादा से ज्यादा वो चीजें चाहता है। सो वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवर पैशन एंड लर्न टू रिमेन सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव। तो हमें अपने मन भाव को नियंत्रित करना, यानी कि हमारा जो भाव है, हमारा जो माइंड है, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना चाहिए। मतलब अगर ज्यादा चाहता है तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल करें, उस पर नियंत्रित रखें। मन कर रहा है ये काम करने के लिए तो उसे ना करें, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखें। जो हमारे पास है उसे संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास जो कुछ है उससे हम असंतुष्ट रहें, उसी में हम अपने आप को सेटिस्फाइड रखने की कोशिश करें। समझ में आया? अगला है आपका क्वेश्चन, नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन परफेक्शन। दुनिया के किसी भी हिस्से में और बिना किसी सभ्यता के सभी व्यक्तियों ने पूर्णता प्राप्त कर लिया हो, यानी कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा बिना सभ्यता के कि उसने वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया हो। समझ में आया? अब देखिए, ठीक उसी प्रकार से इसको भी एक्सप्लेन किया गया है कि दीज लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेशन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये लाइन, यानी कि ये जो लाइनें हैं, इसे लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। डेट हैज बीन रिटन बाई महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। एवरी वन कैन नॉट अचीव परफेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अंडर एनी सिविलाइजेशन। दुनिया के कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी सभ्यता के अंडर में रह करके वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि बिकॉज गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं दैट इंडियन सिविलाइजेशन इलेवेटिंग मॉरल विंग वेयर एज बेस्ट कंट्री ट्राइज टू स्प्रेड आउट इमोरलिटी। क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देता है। मॉरल का मतलब होता है नैतिकता, इलेवेटिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, नैतिकता को बढ़ावा देता है। वेयर एज, जबकि बेस्ट जो है, यानी कि पश्चिमी जो कंट्री है, जो देश है, वो अनैतिकता को बढ़ावा देता है। इमोरलिटी का मतलब होता है अनैतिकता, और यहां पर भी स्प्रेड का मतलब होता है बढ़ाना या फैलाना। समझ में आया फ्रेंड्स?
तो देखिए किसी भी लेशन के लाइन को ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो आज मैंने आपको इंडियन एंड सिविलाइजेशन के कुछ महत्वपूर्ण लाइंस को मैंने एक्सप्लेन किया। इसके आगे जो भी आपको लेशन है उसकी लाइंस को भी मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।